गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? वेरी yes, गुड। आप लोग अपने क्लास में क्या क्या पढ़ते हैं? मैथ्स पढ़ते हैं? साइंस yes, पढ़ते हैं? हिंदी yes, पढ़ते हैं? इंग्लिश yes, भी पढ़ते हैं? वेरी yes, गुड। आप देख रहे होंगे लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, और रागगिरी की तरफ से हम आपके लिए एक छोटी सी वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति के क्या क्या पहलू हैं। और जैसा मैंने कहा, आपने कभी कथक का नाम सुना है? किसने किसने सुना है, हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो आपको ये पीछे दिख रही है एक आर्टिस्ट खड़ी है यहाँ पे, दीदी दिख रही है, इन्होंने जैसे आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई की है अलग अलग विषयों की, इन्होंने कथक की भी बहुत सारी पढ़ाई की है। तो ये आप लोग को बताएंगी कि कथक क्या होता है, कैसे शुरू हुआ, कैसे ये दूसरे डांस फॉर्म से अलग है। तो एक बार इनके लिए ताली बजानी चाहिए। वेरी गुड। आइए चलिए। शाबाश सर, प्लीज हमारे साथ बजा दीजिए। रा चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार बायां पांच छः सात आठ दायां लेफ्ट दायां लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट अगेन राइट दो तीन चार लेफ्ट दो तीन चार राइट दो तीन चार लेफ्ट दो तीन चार और एक। नॉट बैड। कुछ कुछ आया? yes, शाबाश। और हम हाथ कैसे रखते हैं? इसको पकड़ो, हाथ रखते हैं ऐसे, करो ये हाथ इधर जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं। और दूसरा हाथ इधर आएगा, ठीक है? अब ऐसे करके सारे बच्चे मेरे साथ तत्कार करेंगे, ओके? चलो आओ, हम बोलेंगे और पैर करते जाएंगे, ठीक है? हाथ पकड़ो। चौदह पंद्रह सोलह एक दो तीन चार एक दो तीन चार दाएं दो तीन चार बाएं दो तीन चार और एक। आया? अरे इनके लिए ताली तो बजा दीजिए। शाबाश, यू कैन गो बैक चिल्ड्रन। थैंक यू गर्ल्स। वॉक, चलते रहिए। मैं बोलूंगा जब स्टैचू तब आप रुकेंगे, और डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है? डिफरेंट कैरेक्टर्स की आप एक्टिंग करेंगे, एक दूसरे को नहीं मारना, टच वच नहीं करना है। हेलो, आपको मैं नीचे भेज दूंगा फिर अगर आप लड़ाई वड़ाई करोगे तो लड़ाई नहीं करना, वॉक करना है। चलिए सारे लोग, वॉक एंड स्टैचू। बताइए भाई क्या क्या स्टैचू बने हैं? और मुर्गा बन गया एक, तो हाँ मुर्गा दिख रहा है। और बताइए हैं? हनुमान हर बार नहीं, हनुमान बनाना है, हर बार डिफरेंट बनाना है, ठीक है? कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, ये वाले बच्चे अब जाइए नीचे। ये जो आपने वर्कशॉप की, ये सच में ही बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही लाजवाब थी, और हमने आज तक ऐसी वर्कशॉप नहीं देखी। इससे बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। नुक्कड़ नाटक तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इस तरह से प्रोग्राम्स और देंगे तो इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी।